नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीआरवी स्टडी चैनल में। दोस्तों आज हम आपके साथ आरएसी का थर्ड यूनिट लेकर जुड़े हैं और दोस्तों ये टॉपिक आपके सभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एएलपी एसएससी जेई स्टेट लेवल आरआरबी जेई के दृष्टिकोण से दोस्तों आरएसी आपकी बहुत अपने आप में एक वेटेज रखती है टेक्निकल एग्जाम में। तो दोस्तों हम बात करते हैं, हमने आपके साथ कल डील किया था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, हीट इंजन के कॉन्सेप्ट। अब हम दोस्तों हीट इंजन का आपको एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। दोस्तों ये जो हमारा हीट इंजन का ये जो कॉन्सेप्ट है, कंक्लूजन हमारा जो हीट इंजन का है, ये दोस्तों आपके लिए एक रामबाण की तरह यूज होगा। दोस्तों ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगा दोस्तों। और इस कॉन्सेप्ट से आप अच्छे से अच्छे सवालों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं दोस्तों। तो हम दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले आपको एक बार फिर से फार्मूला बताना चाहेंगे जो हमने रिवर्सिबल इंजन के लिए निकाला था। चूंकि हम यहाँ पर लोअर टेम्परेचर देख रहे हैं, हायर टेम्परेचर देख रहे हैं, सोर्स का टेम्परेचर देख रहे हैं, सिंक का टेम्परेचर देख रहे हैं, तो उसके ये कहाँ से आया था जो इफिशियंसी का फार्मूला हमने निकाला था, पहले हम उसको देखते हैं। इफिशियंसी इक्वल टू हमने निकाला दोस्तों 1-TL/TH, और ये दोस्तों वैलिड था केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। किसके लिए दोस्तों? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए दोस्तों। तो दोस्तों होता क्या है, इसके जरिए हम कैसे इस यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम हमसे पूछता है, तो उसकी हम चर्चा करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ हम आपको दिखाना चाहते हैं कैसे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, कब हमारी एफिशिएंसी घटती है। तो आपको एक बहुत छोटा सा चीज़ बताएंगे इसमें से, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी बता देंगे दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि अगर हम आपको टीएल इंक्रीज करें, मतलब हम अगर लोअर टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो हमारी एफिशिएंसी में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप कहेंगे यदि लोअर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, हायर टेम्परेचर को वैसा का वैसा रहने देते हैं, तो एफिशिएंसी हमारी क्या होगी दोस्तों? घटेगी। एफिशिएंसी हमारी क्या होगी दोस्तों? घटेगी। इसकी हम आपको न्यूमेरिकल वैल्यू रख कर दिखाएंगे। अभी आपको बताने पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू रखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। फिर दोस्तों अगर हम लोअर टेम्परेचर को घटाएं, तो एफिशिएंसी हमारी क्या होगी दोस्तों? बढ़ेगी। फिर अगर हम टेम्परेचर हायर टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो एफिशिएंसी हमारी बढ़ेगी, और अगर हम हायर टेम्परेचर को घटाएं, तो एफिशिएंसी हमारी घटेगी। अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी थोड़ी सी, तो पहले हम एक चीज़ एज्यूम करते हैं। हम मान लेते हैं हमारा जो हायर टेम्परेचर है, जो हमारा हायर टेम्परेचर है, और दोस्तों जो हम टेम्परेचर यहाँ पर रखते हैं उसको हमेशा हम केल्विन में रखते हैं, उसको हम दोस्तों हमेशा किस में रखते हैं? केल्विन में रखते हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर की बात करें, तो अगर हम टेम्परेचर यहाँ भी केल्विन में रखें और यहाँ भी केल्विन में रखें, तो केल्विन से केल्विन कट जाएगा। तो हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं, आप समझिएगा उसको केल्विन में ही हमेशा यहाँ रखा है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखा जाता है। पूरी आरएसी में आपको टेम्परेचर केल्विन में ही यूज़ करना है। सबसे पहले अगर मान लीजिए हम टीएच को मान लें 20°C और टीएल को मान लें 10°C, और हम मान लीजिए टीएल को बढ़ा दिया हमने, हमने टीएल को इंक्रीज कर दिया और हमने टीएल को 15°C कर दिया, तो एफिशिएंसी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? अब दोस्तों देखिए, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1-TL/TH। तो एफिशिएंसी हमारा दोस्तों क्या फ़र्क पड़ने वाला है? हम जब 10 से भाग दे रहे थे तो हमारा 0.5 आ रहा था, 10 से जब हम भाग दे रहे थे तो हमारा 0.5 आ रहा था, लेकिन जब हम 15 में भाग देंगे, जब हम 20 से भाग दे रहे थे 10 में, तो हमारा 0.5 एफिशिएंसी आ रही थी, लेकिन जब हम 15 भाग देंगे दोस्तों, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मतलब 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 24, 4 × 7 = 28, 0.7 आ जाएगा, और जब हम 1 से घटाएंगे तो 0.3 हमारी एफिशिएंसी निकल करके आ जाएगी। और जब हम इसी को 10 में भाग दे रहे थे तो हमारा ये 1.5 आ गया दोस्तों, तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आ रही थी? 0.5। तो देखिए आप, एफिशिएंसी हमारी यहाँ पर 50% है और हमारी यहाँ एफिशिएंसी 30% है। तो आपको अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आप इन सब के जगह पर इस वैल्यू को पुट करके आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। मैंने आपको इसका एग्जांपल दे दिया, यहाँ पर वैल्यू आपको मैंने रख करके दिखा दी। तो आप देख रहे हैं कि जब हम 15 रख रहे हैं, बढ़ा रहे हैं लोअर टेम्परेचर को, तो हमारी एफिशिएंसी 30% निकल करके आई, और जब हमने वही टेम्परेचर रखा तो हमारी एफिशिएंसी 50% निकल करके आई। परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक अपने आप में यूनिक कंसेप्ट है। और अगर आप इसको और इजीली समझना चाहते हैं, और इसको आप इजीली समझना चाहते हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, इंजन के केस में ध्यान रखिएगा, जब हमारा गैप इंक्रीज होगा, जब हमारा गैप इंक्रीज होगा तो हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, जब हमारा गैप डिक्रीज होगा, जब हमारा गैप डिक्रीज होगा तो हमारी एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी। जैसे अगर हम टीएच को बढ़ाएं, अगर हम टीएच को बढ़ाते हैं तो एफिशिएंसी हमारी क्या होती दोस्तों? बढ़ती है। और अगर हम टीएल को घटाते हैं, तो देखिए, अगर हम टीएच को बढ़ा रहे हैं और टीएल को घटा रहे हैं, तो गैप हमारा क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। गैप हमारा दोस्तों क्या होगा? बढ़ेगा। और हमारा गैप बढ़ेगा, तो आप दोनों केस में देखिए, जब हम टीएल को घटा रहे हैं तो एफिशिएंसी हमारी क्या हो रही है दोस्तों?
बढ़ रही है, इफिशियंसी हमारी क्या हो रही है दोस्तों, बढ़ रही है। और जब हम टीएच को बढ़ा रहे हैं, हम जब टीएच को बढ़ा रहे हैं तब भी हमारी इफिशियंसी दोस्तों क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आपको पता चला कि गैप जैसे जैसे बढ़ रहा है इफिशियंसी हमारी दोस्तों क्या हो रही है, वैसे वैसे बढ़ रही है। इसी प्रकार जब हम टीएच को घटा रहे हैं, जब हम टीएच को घटा रहे हैं तो इफिशियंसी हमारी क्या हो रही है दोस्तों, घट रही है। और जब हम टीएल को बढ़ा रहे हैं, जब हम टीएल को बढ़ा रहे हैं मतलब गैप डिक्रीज करना चाह रहे हैं, मतलब एक को घटाइए दूसरे को बढ़ाइए, तो आपका गैप क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे गैप कम हो रहा है हमारी इफिशियंसी घट रही है, हमारी इफिशियंसी क्या हो रही है दोस्तों, घट रही है। तो आप ध्यान रखिए, गैप इंक्रीज करेंगे तो इफिशियंसी बढ़ेगी, अगर गैप डिक्रीज करेंगे तो इफिशियंसी घटेगी हीट इंजन केस में। तो पेपर आपसे यहीं से क्वेश्चन उठाता है कि जब हमारा इफिशियंस, पहले तो आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे रेलवे में, रेलवे किस टाइप क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अगर हम लोअर टेम्परेचर को बढ़ाएं, अगर हम हीट इंजन में लोअर टेम्परेचर को बढ़ाएं तो हमारी इफिशियंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको जवाब देना होगा कि जब हम लोअर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इफिशियंसी हमारी डिक्रीज होगी। लेकिन अगर हम ये SSCJE के दृष्टिकोण से बात करें तो SSCJE पूछेगा कि यदि हायर टेम्परेचर को और बढ़ाया जाए और लोअर टेम्परेचर को घटाया जाए, यदि हायर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए और लोअर टेम्परेचर को घटाया जाए तो हमारी इफिशियंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप वहाँ ध्यान रखिए, अगर हायर टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हैं, लोअर टेम्परेचर को आप घटा रहे हैं तो गैप बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा तो इफिशियंसी बढ़ेगी। RRBJEE में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने और हम हीट इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में उनकी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ़ हीट इंजन इज ऑपरेटिंग, यदि एक हीट इंजन ऑपरेट हो रहा है एक कार्नोट साइकिल पे, कार्नोट साइकिल हमारी एक इम्पॉसिबल साइकिल है जिसकी हम चर्चा थर्मोडाइनमिक्स में करेंगे जब हम RRBJEE UPSSCJEE का सिलेबस कवर कर रहे होंगे। द वर्क आउटपुट इज 1/4, जो वर्क आउटपुट मिल रहा है वो 1/4 है किसका, द हीट ट्रांसफर टू द सिंक, जो हीट ट्रांसफर हो रही सिंक में, जो हीट ट्रांसफर हो रही सिंक में उसका 1/4 है। तो इफिशियंसी बताइए इंजन की। तो इफिशियंसी निकालने के लिए दोस्तों हम जानते हैं इफिशियंसी हमारा क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट हमने कितना दिया दोस्तों W, और इनपुट हमारा कितना दोस्तों QH। तो हमारा जो W हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ आउटपुट। आउटपुट हमारा कितना था, वर्क आउटपुट इज 1/4, तो वर्क आउटपुट कितना हो जाएगा, 1/4 QH का 1/4। तो यहाँ से हमारा वर्क आउटपुट तो निकल गया। अब उसके बाद हमने अपने को इक्वेशन बैलेंस करना सिखाया था, हमने आपको इक्वेशन बैलेंस करना सिखाया था। तो हमारा यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों, तो W यहाँ हमने ले लिया QL, और अब आप देखिए इक्वेशन बैलेंस करना पहले सीखिए। QH इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, W प्लस QL। W के जहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी और QL को QL रहने दिया, और हमने W के जहाँ रख दिया QL/4। W जहाँ हमने क्या रख दिया, QL/4, और QL में इसमें ऐड कर दिया, इसको सॉल्व किया दोस्तों, तो हमारी जो इफिशियंसी निकल करके आई, हमारी निकल करके कितनी आ गई, 20%। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार आप बिना देखे सॉल्व कीजिएगा। और आपके अगर पढ़ाए जाने पे, किसी भी टॉपिक को पढ़ाए जाने पे आपका कोई भी डाउट आता है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में दोबारा उस चीज़ को पूछ सकते हैं, आपको पुनः उस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, डिराइव करेंगे, आपको समझाएंगे जब तक समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको समझाना। और हम चाहते हैं कि आप हमारे एक इस चैनल के माध्यम से, हमारे पढ़ाई के माध्यम से आप एक अच्छे स्थान पर जाएं, आप अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा करें, बस हमारी यही तमन्ना है। और आप खुश तो हम भी खुश। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगला, जो ये टॉपिक है दोस्तों, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बनते हैं, ये हमारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ALP में मिलेगा और RRBJEE में भी एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, है क्या ये एक रिवर्सिबल इंजन जो कि हमारा ऑपरेट हो रहा है टेम्परेचर लिमिट T1 और T2 के बीच में, और रिजेक्ट कर रहा है एक टेम्परेचर T3, मतलब इसमें जो T1 ये हो गया, T2 ये हो गया, और यहाँ पर एक और इंजन लग जाएगा और वो रिजेक्ट करेगा T3 पे। तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो हमारा T2 इंटरमीडिएट टेम्परेचर हो जाएगा, ये हमारा T2 हो गया, ये हमारा T1। दोस्तों इसका फिगर मैं इसी में आपको बता रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, समझिएगा चीज़ों को। तो इस कंडीशन में होता क्या है, तो दो चीज़ें पूछता है हमसे एग्जामिनेशन दो चीज़ें पूछता है। अब दोनों चीज़ों के लिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, दोनों चीज़ें हम सब आपको एग्जामिनेशन कैसे पूछता है। देखिए ये फिगर आपके लिए, हमें हमारा टेम्परेचर T1 हो गया, इंटरमीडिएट टेम्परेचर T2 हो गया, और ये T3 हो गया। इंटरमीडिएट टेम्परेचर कहने मतलब कि बीच का टेम्परेचर, बीच का तापमान। दो चीज़ें एग्जामिनेशन हमसे पूछता क्या है कि यदि दोनों इंजन के द्वारा जो वर्क आउटपुट हमको मिल रहा है, दोनों इंजन, एक इंजन ये हो गया दोस्तों हमारा, और एक इंजन हमारा दोस्तों ये हो गया, दोनों इंजन के द्वारा जो हमारा वर्क आउटपुट मिल रहा है मतलब किया गया कार्य, अगर दोनों इंजन द्वारा किया गया कार्य या वर्क आउटपुट अगर हमारा सेम है, तो उस केस में आप इस चीज़ को डायरेक्ट याद रखिए,
और इक्वेशन बैलेंस करना मैंने आपको सिखाया है, यहाँ से भी आप डब्ल्यू वन निकाल सकते हैं क्यू वन माइनस क्यू टू, और डब्ल्यू टू निकाल सकते हैं क्यू टू माइनस क्यू थ्री, और टी वन टी टू से रिप्लेस करेंगे तो आपका निकल करके आ जाएगा इंटरमीडिएट टेम्परेचर टी टू इक्वल टू टी वन प्लस टी थ्री बाई टू, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो आपको डायरेक्ट ये चीज़ याद रखनी है और निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसी तरह दूसरा केस जो आपसे एग्जामिनेशन पूछता है वो क्या पूछता है कि वेन इफिशियंसी आर सेम, मीन्स जब दोनों इंजन की इफिशियंसी सेम होती है। इफिशियंसी के लिए भी हमने आपको फार्मूला बताया था, इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, वन माइनस लोअर टेम्परेचर अपन हायर टेम्परेचर, वन माइनस टी टू अपन टी वन इक्वल टू, इसकी क्या हो जाएगी, वन माइनस लोअर टेम्परेचर इसका ये बन जाएगा टी थ्री, टी थ्री माइनस टी टू टी थ्री सॉरी टी थ्री अपन टी टू। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो वी वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, टी टू इधर आ जाएगा, टी टू का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा टी वन इंटू टी थ्री। तो यहाँ से इंटरमीडिएट टेम्परेचर हो जाएगा टी टू इक्वल टू रूट टी वन इंटू टी थ्री। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो एग्जामिनेशन आपसे इन क्वेश्चंस को जरूर पूछेगा, और मेरी गारंटी है कि एलपी के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और आरआरबी जेई के भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अब दोस्तों इस पे जो आने वाले सवाल हैं उनकी चर्चा हम कल करेंगे, जो ये क्वेश्चन है इस पे हम कल डिस्कशन करेंगे, और आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आप बेल आइकन को हिट करें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएँ। धन्यवाद, और लाइक करना न भूलें वीडियो को। नमस्कार दोस्तों।